नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम देश की सियासी हलचल और कुछ खास घटनाओं को और मुद्दों की बात करेंगे। चलिए अब खबरें विस्तार से, और अब बात करेंगे विदेश में बखान, देश में घमासान। ...2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी माहौल गर्म है। हर दल के नेता विरोधी पर पलटवार करने से कतई नहीं चूक रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वह झूठ बोलते हैं और देशवासियों को झूठे सपने दिखाकर वोट के लिए ठगी का व्यापार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने पहले जिन गारंटियों की बात की थी वो सब झूठ साबित हुई। देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी के नजरिया पर राहुल का तंज। संयुक्त अरब अमीरात के आधिकारिक यात्रा पर पीएम मोदी ने जो व्यापक नजरिया पेश किया, देश में उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक भी की थी, और इस अहम बैठक के बाद पीएम मोदी ने लगभग 65,000 भारतीय प्रवासियों को अबुधाबी में एहलान मोदी कार्यक्रम में संबोधित किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में यूएई के विभिन्न क्षेत्रों और भारत के विभिन्न राज्यों से लोग एकत्रित हुए। इस बीच अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज आपने अबुधाबी में इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर दिल की धड़कन ये भावना गूंजती है कि भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। अबुधाबी में आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया है। आप लोग यूएई के कोने कोने से आए और भारत के भी अलग अलग राज्यों से आए हैं। लेकिन सबके दिल जुड़े हुए हैं। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर आवाज कह रही है भारत यूएई। बस इस पल को जी लेना, जी भर करके जी लेना। 10 गारंटियों से राहुल का पीएम मोदी पर वार। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी नई गारंटियों की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें पुरानी गारंटियों का हिसाब देना होगा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी के 10 साल अन्याय काल के रहे हैं। उन्होंने देश के लोगों को बस झूठ बोला है। पिछले 10 सालों से झूठे सपनों का बायोस्कोप लेकर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री देश में ठगी का व्यापार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार मतलब झूठ और अन्याय की गारंटी। देश के सपनों के साथ न्याय कांग्रेस करेगी। राहुल के प्रहार के प्रमुख बिंदु, 2 करोड़ नौकरी हर साल की गारंटी, झूठ। किसान की आय दोगुनी करने की गारंटी, झूठ। काला धन वापस लाने की गारंटी, झूठ। महंगाई कम करने की गारंटी, झूठ। हर खाते में 15 लाख की गारंटी, झूठ। महिला सुरक्षा और सम्मान की गारंटी, झूठ। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी, झूठ। रुपए को मजबूत करने की गारंटी, झूठ।
चीन को लाल आंख दिखाने की गारंटी झूठ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की गारंटी झूठ, अबुधाबी से मोदी की गारंटी। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अबुधाबी में कहा कि भारत 11वें नंबर से दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है। मोदी की गारंटी, आप जानते हैं कि मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी परेशानियां कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमने 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर बना कर दिया है, हमने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल का कनेक्शन दिया है, हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। गाँव देहात के लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने 1.5 लाख से ज्यादा आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। कहा, जो लोग बीते दिनों भारत गए होंगे वो जानते हैं कि भारत में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है। संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत की पहचान नए आइडिया और नए इनोवेशन से बन रही है। आज भारत की पहचान एक वाइब्रेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बन रही है। कहा कि आप सभी भारत में आए डिजिटल क्रांति को जानते हैं और इसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है, इसका लाभ आपको भी मिले, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। आज वो यादें बटोर लेनी है जो जीवन भर आपके साथ रहने वाली, जो यादें जीवन भर मेरे साथ भी रहने वाली। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया हूं। समंदर पार जिस देश की मिट्टी में आपने जन्म लिया, मैं उस मिट्टी की खुशबू आपके लिए लेकर आया हूं। सियासत में वार पलटवार का तो सिलसिला चलता ही रहता है, लेकिन हाल ही में नेताओं के बयानों में गर्मी का आप जो एहसास कर रहे हैं, दरअसल वो 2024 के संग्राम के चलते है। नेताओं के बयानों की ये तल्खी चुनाव नजदीक आते आते और बढ़ने वाली है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।